ऐश्वर्या अंतर को समझिए, अंतर को समझिए। ममता काले जी मान लीजिए कि रोज वो श्लोक का पाठ करती हैं और वो एक वीडियो बनाती है ताकि लोग उससे उत्साहित हो और वो भी पाठ करने लगे, ये उनका दिनचर्या है, वो उसको अवेयरनेस के लिए कर रही है। मानवी जी हो सकता है फिटनेस में है तो वो फिटनेस का वीडियो बनाती है ताकि लोग उससे प्रभावित होकर फिटनेस की तरफ आए, वो उसको कहते हैं कि ये प्रभावित इन्फ्लुएंस करना प्रॉपर तरीके से। परंतु जो आप करते नहीं है 365 दिन, एक दिन केवल मैं अपनी चमकादू राजनीति, एक दिन क्या, एक ही दिन लखनऊ में 48 डिग्री था क्या, आपने एक ही दिन गोला बांटा क्या, एक दिन 5 घंटे गोला बांटने से होगी व्यवस्था? ये होता है कि अपने आप को चमकाने के लिए रील बनाना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना। आधे दिन कर देते, इसमें अंतर समझ कर देते, सस्ती लोकप्रियता और जो कमिटेडली आप करते, इन दोनों में अंतर। पार्टी कर रही है ना सेवा, ऐश्वर्या समाजवादी पार्टी, ऐश्वर्या जी यहाँ पर कौन, एक एक करके अनुराग जी प्ले, ये हथगोला कौन डाल, अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस, ये हथगोला, ये हथगोला कौन फेंक रहा है यहाँ पर, अनुराग जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, यहाँ पर हथगोला कौन फेंक रहा है, अनुराग जी नॉट ओके, रिलैक्स शहजाद, पॉइंट, थैंक यू। जी शहजाद देखिए, मैंने कोई आपत्तिजनक बात किसी के लिए नहीं बोली है, थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों से ना ममता जी को ना मानवी जी को बुरा लगा होगा, क्योंकि वो उनके दिनचर्या का, वो उनके डेली रूटीन का हिस्सा है, उनको ये करना चाहिए। वो अपनी लोकप्रियता के लिए नहीं, वो सामाजिक जागरण के लिए कर रहे हैं। परंतु दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं कहीं झूठ फैला दूं, मैं कहीं गलत दिखा दूं, मैं कहीं ये नफरत फैला दूं, मैं कहीं केरल की सड़क को यूपी की सड़क दिखा दूं, ये जो होता है इससे बचिए, ऐसे रील के बीमारियों से बचिए। ऐसे रील की बीमारी का जवाब है अनफॉलो करो और ब्लॉक करो और रिपोर्ट करो। ऐसे नहीं, नहीं मैं आपको शहजाद यू आर लाफिंग बट कैन आई गेट एवरीवन ऑन एयर, टीना जी आल्सो, प्रीति पांडे आल्सो, मानवी जी आल्सो, मानवी जी देखिए आप बनाती रील कोई बनाए बहुत अच्छी बात है, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन नासिर जी ने जो कहा लोगों को समझना पड़ेगा, आज ये रियलिटी हो गई, लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाके रील्स बना रहे, किताब नहीं पढ़ रहे, जा खाने पीने की दुकानों पे जा रहे हैं, एक दोस्त है फ्रेम ढूंढ रही है या फिर फ्रेम ढूंढ रहा है, दूसरा दोस्त है खाने की फोटो ले रहा है, आप देख रहे हैं पर्सनल कनेक्ट खत्म हो गए, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि मैं कौन सी रील डाल दूं और वो कितनी पॉपुलर हो जाए। अब इसका काउंटर व्यू ये आता है, लोग कहते हैं कि भाई हमारी नौकरी हो गई है ये मेरे, मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोगों को पर्सनली, वो कहते हैं हम इससे 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं, हम 2-3 वीडियो डालते हैं और हमारे इससे 1-1 लाख रुपए आ रहा है, आप क्या हमें 9-9 घंटे रोज ऑफिस में काम कराओगे, हम अपने घर में रहते हैं 2 घंटे बनाते हैं 4 वीडियो डालते हैं और पैसे कमा लेते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन उसकी लाइन तो होगी ना, किसी को नुकसान पहुंचा के तो नहीं आ सकते ना पैसे। मानवी जी देखिए, ऐश्वर्या जी मैं यहाँ पे 3 चीजें बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं मेरे को ना ऑडियो में इशू आ रही है, प्लीज ठीक करा दीजिए। देखिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो ये रील बना रहे हैं वो उस बेचारे की क्या मजबूरी होगी जिस वजह से ये रील बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों को मैं लोगों को बहुत जिम्मेवार समझती हूँ जो ये रील्स देखते हैं। आप रील बनाते हैं, रील अपलोड करते हैं, देखिए मैं 3 चीजें यहाँ बोलना चाहती हूँ, आप रील बनाते हैं, रील अपलोड करते हैं, उस पे लोग उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उसकी वजह से रील वायरल हो जाती है। आप उसको वायरल क्यों करते हैं, उसमें रिपोर्ट क्यों नहीं करते, और अगर उसके आप कमेंट पढ़ना चाहें तो कमेंट में लिखा होता है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टाइम क्या देखने को मिलेगा। अगर ये सब कुछ ना करें और उसको रिपोर्ट कर दें तो वो सोशल मीडिया से हट जाएगी, कहीं ना कहीं वो वहां पे उसको पैसा कमाने का जरिया मिल रहा है, तो जब आप मोटिवेट हो जाते हैं तो आप दोबारा रील बनाते हैं। सेकंड चीज, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, जिस चीज की डिमांड है उसी चीज का सप्लाई है। यहाँ पे मुझसे पहले बोला था कि धार्मिक वीडियो और फिटनेस वीडियो, प्रॉब्लम यह है कि धार्मिक वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, फिटनेस वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, फैमिली एंटरटेनमेंट वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। ऐसे रील्स पे मिलियन व्यूज होते हैं, मिलियन से मिलियन व्यूज होते हैं, लेकिन मानवी जी कैन आई बी ऑन एयर राइट नाउ, जिसमें कोई फैमिली ओरिएंटेड, मानवी जी मेरे को अभी एक सोशल मीडिया पे आप अभी बोल रही थी, कैन आई जस्ट बी देयर, मानवी जी मैंने आपकी बात समझी, रहा हूं प्लीज लिसन, थैंक यू मानवी, अभी जब आपने बोला मानवी जी रिलैक्स, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास, मानवी जी समझिए अब आप, थैंक यू, ऑडियो डाउन, एवरीवन ऑन है इंक्लूडिंग शहजाद, अनुराग जी एंड नासिर साहब। अभी अभी मेरे को एक सोशल मीडिया पे ही एक कमेंट भेजा कि बोला सर मानवी जी के पॉइंट में एक चीज में तो पॉइंट है शहजाद कि जो डिमांड और सप्लाई होता है, लेकिन यही अश्लील वीडियोस पे भी आता है। जब मैंने पॉन पे डिबेट की थी मानवी जी आपको याद होगा आपने यही बोला था
कि ऐश्वर्या ये जो सोशल ये जो ओटीटी एप्स पे आपने कहा था, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सही है प्रीति पांडे जी, क्योंकि आप एक एनजीओ चलाती है, मैं इसलिए आपसे ले रहा हूं। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है या जो भी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है, उनको एक बड़े टीवी शो में भी ले लिया। आप समझिए मेरी बात, ये हमारी संस्कृति, ये आप समझिए, इससे इन्फ्लुएंस होता है। और ये बात भी कहीं ना कहीं मानवी जी की ठीक है कि लोग देख रहे होंगे ना, तभी तो उसके इतने मिलियन 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 फॉलोअर हैं। कहा जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर भी थी, कई हीनियस क्राइम्स को लेके एक कंप्लेंट थी, एक जगह से वो भागे हुए हैं, अभी उनके तीन तीन चार चार पांच पांच फ्लैट है, यानी फाइनेंशियली उनके लिए अच्छा चल रहा है वो सिस्टम जो मैं बात कर रहा था, और लोग देख रहे हैं। तो फिर मानवी जी कह रही हैं कि भैया आप किस मुंह से गलत कह रहे हो, एक आदमी वो व्यक्ति नाम क्या मुझे पता नहीं, वो पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है, आप कह रहे हो हां जी। देखिए हर चीज की अच्छाई और बुराई पैरेलल चलती है। मैम को नाम पता, हां बोलिए प्रीति जी। जी मैं कह रही हूँ हर चीज की अच्छाई और बुराई पैरेलल चलती है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह हर चीज के दो पहलू हैं। लेकिन जो मानवी जी ने अपना, मानवी जी की बहुत सारी चीजें सही भी हो सकती है कि लोग देख रहे हैं, इसी तरह इसी वजह से ये फुहड़ एग्जाम्पल आपके सामने जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, चाहे वो कहीं मेट्रो स्टेशन में हो, चाहे वो बस स्टैंड में हो, हाँ बिल्कुल बस स्टैंड में हो, चाहे कोई एयरपोर्ट पे हो, चाहे कहीं हो, मतलब कहीं पे भी आप खड़े हैं, आप फुहड़ पर चीजें परोस रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसलिए वो चल भी रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि जो रील बना रहा है, जो उन्होंने पहली बार कहा कि रील बना रहा है, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है। ऐश्वर्य मैं एनजीओ चलाती हूँ, मजबूरी में ना लोग 10-10 घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, लोग अपने घरों में 10-10 घरों में जाके कारपेंटर का काम करते हैं, गरीब बच्चे जो मेरे आते हैं उनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, अपने एक एक करके मैम रिक्वेस्ट है आपसे, जिससे वो अपनी जिंदगी चला सकते हैं। एक एक करके मानवी जी, वेलकम टू मानवी जी, एक एक करके जनता तक पहुंचती है बात। कंटेंट परोसने के पीछे कोई मजबूरी हो सकती है, पैसे कमाने के लिए और जीवन व्यापन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप दो वक्त की रोटी चला सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने, मैं अभी बहुत देर से आपकी डिबेट देख रही थी, मैं लेट जुड़ी, माफी चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया साहब ने शुरू करते ही जिस तरीके से 2014 के बाद बोली, मुझे बहुत शर्म आती है ऐश्वर्य की इतने सीरियस टॉपिक पे, क्या मोदी जी ने कहा है क्या कि रेल की पटरी पे खड़े होकर कोई रील बनाओ? मोदी जी ने कहा है सामने से गाड़ी आ रही है, बीच सड़क पे खड़े होकर आप रील बनाओ? ये कोई गवर्नमेंट नहीं कहती, ना राहुल गांधी कहते हैं, ना मोदी जी कहते हैं। तो इस तरह के सोशल इश्यूज पे भी जब ये इंडिया गठबंधन और बीजेपी की बात करते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत सीरियस इश्यू है ऐश्वर्य, जिसके ऊपर सबको बात करने की जरूरत है। आप कंटेंट में कुछ भी परोसे और वो चल भी रहा है, तो हमें टीवी पे आके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम लोग इस देख रहे हैं इस शहजाद जी परोसा जा रहा है। अरे आपको उसका विरोध करना चाहिए, कोई चीज अगर दिखाई जा रही है रील पे तो क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, उसकी एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। नहीं, बाउंड्री लाइन बिल्कुल होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ये व्यक्ति है वो पॉलीगैमी को ओपनली प्रमोट कर रहा है और भारत में ही युवा या जो भी है उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी मेरे को एक व्यूअर ने ही मैसेज किया, प्रथमा नाम है उनका, वो कह रही है कि सर हमने देखा है, वो शायद किसी स्कूल या फिर कॉलेज में, वो कह रही है कि कम्युनिकेशन क्लास को बंक करके टीना जी बच्चे रील के थ्रू मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। दैट्स द आयरनी, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। टीना जी अगली जनरेशन को इस तरह से खराब होते देख, मतलब वी जस्ट कांट बी बाईस्टैंडर्स एनीमोर। टीना जी